हेलो फ्रेंड्स, ये है टेबल टॉप वैक्यूम सीलर मशीन, जिसे आप कोई भी ग्रोसरी आइटम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जो भी अनाज है उसको आप वैक्यूम सील कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करती है, इसके फंक्शंस क्या क्या है। और ये जो मशीन है, ये टेबल टॉप मॉडल है DZ260। इसमें लेटेस्ट डिज़ाइन है विथ LCD डिस्प्ले। इसकी वर्किंग हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से मैंने मशीन को पावर ऑन कर दिया। ये जो IO बटन है पावर ऑन के लिए है, ये पावर ऑफ, पावर ऑन। पावर ऑन करने के बाद पहले इसकी एक साइकिल देख लेते हैं कि ये क्या करती है एग्जैक्टली। जैसे मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए आपको प्रेस कर लेंगे तो ये पैन जो है अपने आप वैक्यूम से बॉडी पे चिपक जाता है। उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए। इसके फीचर्स की बात करें तो ये पावर ऑन पावर ऑफ बटन है। ये जो है लीड को ओपन करने के लिए बटन है, लीड ओपनिंग का बटन है। जब लीड वैक्यूम से बंद हो, कभी मशीन आपने चलाई और बीच में बंद कर दिया, तो ये ओपन के लिए है। यहाँ पे हमारा सेटिंग की है। सेटिंग प्रेस करते ही पहला चीज़ है वैक्यूम। वैक्यूम आपको कितने सेकंड के लिए चाहिए, ये सेकंड्स आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको वैक्यूम एकदम स्ट्रॉन्गर चाहिए। तो ये वैक्यूम हो गया। सेकंड बटन है आपका सीलिंग, मतलब जो प्लास्टिक का बैग है आपका, उसकी थिकनेस, उसकी जो थिकनेस है उसके हिसाब से आपको सीलिंग को सेट करना है। सीलिंग में आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, जैसे 2 है, मैं इसको 2.5 कर देता हूँ। और आप इसका टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। अभी मैंने ये हीटिंग जो रखा है मीडियम पे रखा है, ये हाई पे भी होती है और लो पे भी होती है, हमने इसको मीडियम पे रख दिया है। थर्ड फंक्शन जो है वो है कूलिंग। कूलिंग टाइम मतलब अगर बैग गर्म होने के बाद कितना टाइम उसको थोड़ा सा कूलिंग मिलेगा, कितने सेकंड के लिए कूल होगा ताकि बैग फट ना जाए, या उसके लिए तो ये भी आप मीडियम 2.5 सेकंड के आसपास रख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये दिया है सेव का मार्क और वन, मतलब ये हमने हमारी फर्स्ट रेसिपी हो गई। अब हो सकता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए मुझे अलग अलग रेसिपी लगे, तो सेकंड रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे सेकंड में जाऊँगा। और यहाँ पे मैं कुछ अलग वैक्यूम की सेटिंग रख सकता हूँ, अलग सीलिंग की सेटिंग रख सकता हूँ, अलग कूलिंग की सेटिंग रख सकता हूँ। तो ये रेसिपी हमारी 2 नंबर में सेव हो जाएगी। ऐसे हम लोग टोटल 9 रेसिपी सेव कर सकते हैं इस मशीन में। अब ये काम कैसे करती है, जैसे हमारा वो वैक्यूम जो हम कर रहे थे वो हो चुका है, लीड ओपन हो चुकी है, तो मैं बैग निकाल लेता हूँ इसमें से। आप देख रहे हैं ये है वैक्यूम की इसकी क्वालिटी, एकदम टाइट हो गया है बैग, बिल्कुल भी हवा नहीं बची है इसके अंदर। तो एक बार हम इसको फिर से करके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ बैग मशीन के अंदर। अभी हम एक दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे कि ये साबुदाना है, इसको वैक्यूम करके देखते हैं। ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। बैग जो है ये सीलिंग बार के ऊपर रखना है, ये इम्पल्स सीलिंग बार है जहाँ पे प्रोडक्ट वैक्यूम होने के बाद सील हो जाएगा बैग। और ये जो है बार, ये एडजस्टेबल है, बैग को आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर आपका बैग थोड़ा मोटा है, हैवी है, तो इस ये ट्रे रिमूवेबल है, आप इस ट्रे को हटा भी सकते हैं। पर अभी मेरे बैग छोटे हैं तो मैं सपोर्ट के लिए ट्रे को रख रहा हूँ। और फर्स्ट रेसिपी हमने सिलेक्ट करके, ये जो लीवर है, लीवर को नीचे करके हम इसको एक बार के लिए ज़ोर से प्रेस करना है। आप देख रहे हैं प्रेस करते ही वैक्यूम की साउंड चालू हो जाती है। 1-2 सेकंड के लिए आप इसको प्रेस करके रखिए, और जैसे ही वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है ये खुद से चिपक जाएगा। और उसके बाद लीवर को आप लॉक कर दीजिए। अब ये 48 सेकंड के लिए, 45 सेकंड जो हमने सेट किया है, इसमें से हवा खींच रहा है मशीन। 45 सेकंड के लिए वैक्यूम होगा। और वैक्यूम होने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ एक क्लोज़र लुक में। तो ये अभी पूरा वैक्यूम हो चुका है, और फाइनल इसको वैक्यूम का जब प्रेशर मिलेगा तो इस तरह से पूरी हवा खींच जाती है, हवा खींचने की आवाज़ भी आ रही है। और ये जो इम्पल्स का बार है वो चिपक जाता है आपस में फॉर अ सर्टेन टाइम जो हमने सेट किया है सीलिंग का। और जैसे ही सीलिंग कंप्लीट होती है ये लीड अपने आप खुल जाती है। बस ये लीवर ने इस लीड को रोक रखा है, मैं लीवर हटा दे रहा हूँ, तो ये लीड अपने आप ओपन हो गई। तो आप देख सकते हैं ये पूरा वैक्यूम हो चुका है। और इसकी जो सीलिंग है ये भी 10 mm वाइड होती है, ताकि कहीं से भी कोई लीकेज का चांस नहीं रहे। जैसे वैक्यूम के बैग में जनरली आती है 10 mm 12 mm की वाइड सीलिंग, वैसे इसकी मशीन की सीलिंग भी 10 mm की है। इस तरह से ये कंप्लीट वैक्यूम हो गया है प्रोडक्ट। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मशीन को ऑपरेट करना एकदम इजी है। PLC पैनल है, कोई भी ऑपरेट कर सकता है, किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और आपने देखा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जो ड्राई फ्रूट्स या अनाज हो गया, या खाकरा हो गया, या कोई भी ड्राई और सॉलिड आइटम इसमें वैक्यूम पैक की जा सकती है।
बिल्कुल एकदम 100% वैक्यूम हो जाता है। तो एयर से ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस से जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को नुकसान होता है वो नहीं होगा, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, प्रोडक्ट की पैकिंग जो है दिखने में बढ़िया दिख लगती है। तो इस मशीन के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं या इससे बड़े मॉडल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इसी तरह नई नई मशीनों की जानकारी आपको देते रहें। थैंक यू।